वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस कल है राखी, तो गाइस ये वाला वीडियो जाने में 2-3 दिन लेट होगा क्योंकि अभी मेरा मंदारमुनी का जो ब्लॉग है वो आ रहा है। मुझे पहले पता था कि फ्राइडे को है राखी, लेकिन फिर पता चला कि कुछ पूर्णिमा का कुछ इधर उधर हो गया तो वो फाइनली थर्सडे हो रहा है। तो अभी मैं और भाई जाऊंगी राखी खरीदने और थोड़ा सा मिठाई विठाई भी खरीदूंगी। तो सोची थी एक बर्फी बनाऊंगी, लेकिन फाइनली बनाऊंगी कि नहीं श्योर नहीं हूँ। मन तो है बनाने का, तो मम्मी तो बार बार बोल रही है कि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान में जाओ मिठाई लेके चली जाओ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे कोई भी भाई जो है मिठाई खाना नहीं चाहते। तो फिर भी एक ओकेशन है, बनाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो चलिए गाइस, ये वाला राखी का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। किसी भी कारण से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मेन वीडियो में चलते हैं। भाई बना के आया है ये, मैंने बना के लाया है ये चाय। चलिए गाइस चाय जल्दी से पी लेती हूँ, उसके बाद एकदम सीधा दुकान में जाते हैं। और ये वाले ब्लॉग में एकदम मतलब आज का दिन और कल का पूरा दिन इसी वीडियो में रहेगा, क्योंकि 2 दिन का वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती क्योंकि आज तो कुछ खास नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए 2 दिन का बेकार वीडियो आप लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करूँ। है आगे बढ़ तो अनेक प्रिपरेशन है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो राखी वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं दे दूंगी क्या यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी, चेक कर लेना। नहीं तो है कौन दिखता जाना आशे आई बटन दे दिखते नहीं दिखते ऐसे देखते हो बादी जैसे ना। हाँ तो এদিকে দাওয়া থাকবে দেখে নেবে। আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে। অনেক খেটেছিলাম আগের বছর, তো এই বছর জানতেই পারিনি তো খাটবো কিভাবে। তো ঠিক আছে চাটা খেয়ে নি, তারপর সোজা গিয়ে দোকানে দেখা হচ্ছে। तो गाइस बहन आई थी मेहंदी पहनने के लिए और अचानक से बहुत जोर की बारिश स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा ठीक है उसको मेहंदी पहले पहना देती हूँ उसके बाद दुकान में जाऊंगी। तो अभी फिलहाल डिजाइन चॉइस हो रहा है। डिजाइन सिलेक्ट हो जाए देखिए कौन डिजाइन है। मेहंदी तीरम झुके बसे चीज करना जी भाई, ओके ये पासे दे तू ये पासे जा दी भाई। सुबह सुबह उठ के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है कॉटन का एक कुर्ती ड्रेस कह सकते हैं। तो कल बहन आई थी मेहंदी पहनने और उसकी कोन से थोड़ा सा मेहंदी बच गया था और मुझे मन था मेहंदी पहनने का, लेकिन मेहंदी में लाना भूल गई थी। लो उसकी कोन में जितना बच गया था उससे मैंने पहन लिया है ये मेहंदी। लेकिन मेहंदी उतना अच्छा कलर नहीं आया और राइट हैंड में भी मैंने पहना है थोड़ा सा मतलब कलर उतना नहीं आया जितना आना चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ में कलर बहुत अच्छा आता है और इस साइड में पहनने के लिए मेहंदी बचा ही नहीं था। थोड़ा जो है वो हाथ के ऊपर में ही हो सकता है। चलिए अभी छोटा सा जो है गणपति पूजा करना है, क्योंकि राखी जो है मैं हर साल पूजा करके ही पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डेकोरेशन किया है, वो पहले देख लीजिए और उसके बाद पूजा करके राखी पहनाते हैं। चलिए तो गाइस देखिए मेरा गणपति जी कुछ इस तरह दिखने में लग रहे हैं। आज एकदम सुंदर सा डेकोरेशन किया है यहाँ पे, तो पूजा अभी भी नहीं किया है, सिर्फ ऐसे अरेंजमेंट करके मैंने रखा है। तो अभी मैं रेडी होके आई, ये रहा मेरे सब राखी और ये भाई मुझे पहनने वाला है, देखिए कितना सुंदर है। और बाकी सारी जो ये सब राखी है तो चलिए
আমার মিষ্টি আমাকে আপনি নিজে আপকে দিল খালি পেটে খেয়ে আসলাম মিষ্টি আগে আমাকে ওই না মলি মলি যদি আগে পড়াবি হাতে পড়িয়ে নে পড়াবো আগে ডিপ পড়া আগে পড়ে দিবি ছোট্ট করে উপরে ছোট্ট করে দে আরে তিনবার ঠুকতে হয় চারটা লাগা ছাড় না এখানে উঠলেই তো হতো ভাঙছিস কেন গ্যাস হলে তো ওষুধ আছে আয়া নেই পতা নেই কিউ 11 তো বজনে বালা আর ভাই কা হাত কা রাখি ভি আচ্ছা লাগ রাহা দেখা আমার মুন্ডু কে দে তুই তো লম্বা আমি কি করব দাঁড়া শুধু হাতটা দেখো আর নিচে কর নিচে কর শুধু হাত দেখো হ্যাঁ না হাতটা লাগাইনি ভালো করে
अभी चलेगा फोटोशूट, तो थोड़ा बहुत फोटोशूट तो बनता ही है राखी में, तो वो हो जाए उसके बाद देखते कौन आता है, नहीं तो मैं उस घर में जाऊंगी। दो भाई शायद उस घर में ही आने वाले हैं, तो चलिए आगे तक वीडियो में, आगे तक वीडियो बने रहिए, बने रहिए वीडियो में, बने रहिए। हाँ, आगे तक वीडियो में बने रहिए। हाँ, आजके আমার মানে হিন্দি বেরাচ্ছে এরা না তোকে আমি আরে পিপলস দি একটা ভালো ব্যাকরণের বই কিনে দেব হিন্দি। সেটা আমি কিনে দিতে হবে না, আমি আমি তাতেও শিখতে পারবো না। স্টার্টিং দিয়ে শুরু করবি কর্তানে কর্ম কো কারণ সে সম্প্রদান কে লিয়ে আপনারা আছে। আরে বাহ, হেভি তো। छोटा भीम दोपहर, मतलब हाँ दोपहर के टाइम। तो जो जो आने वाले थे सब आ नहीं पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा का जो है बुखार हुआ है, सब घर में है। तो और बाकी जो है, मुझे शायद लग रहा है दो जन बाकी है, तो अभी हम लोग लंच करेंगे। और तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर आप लोगों से। और आज ये सब मिला था, तो मैं मेरे गणपति जी के सामने ही रख दे रही हूँ कि मेरे पैसे को संभाले। ओ मिठाई तो ले ले माँ, एखान प्रसाद तो नहीं ना वो मिस्टी टा कौन टाई दूटोई। ओ गाइस, हम लोगों का लंच हो चुका है, और हठात मन पड़े गेछे आमादेर कि मन पड़े जे आमादेर ठाकुर अर्डर दिते जेते हबे, गणेश ठाकुर। माने आमरा दो तीन दिन आगे की अर्डर दिएछिलाम, बाट लास्ट टाइम कि होयेछे जे एतटा लास्टेर दिके गेले ओरा अलरेडी प्रचुर अर्नामेंट दिए मैम कि बोले झगड़ाधम की जो सजिए दे, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो फाइनली हम मतलब लकीली हम लोगों को मिल गया था लास्ट ईयर अच्छा वाला गणपति। लेकिन गाइस, वेस्ट बंगाल में महाराष्ट्र के जैसे इतना सुंदर सुंदर गणपति मिलता ही नहीं है। छोटा छोटा जो गणपति हम लोग देखते हैं नॉर्मली मुंबई में जो सब पूजा होता है, उतना सुंदर सुंदर गणपति एक्चुअली वेस्ट बंगाल में नहीं मिलता। यहाँ का ना एखाने ढांचा टाइ ओन मतलब यहाँ का जो ढांचा है ना जिसमें पेस्ट करके होता है, एकदम अलादा एकदम। और एखाने भीषणी ना ओई जने एखान थेके अर्डर होय ओखाने जाए, तो गणपति का भी सेम है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने छुट्टी वुट्टी भी लिया है, भाई का भी आज छुट्टी है, तो क्यों ना घर में ना बैठे रहे और सीधा चले जाते हैं कोदे जाना ना पोटो पड़ा। तो पोटो पड़ाए गए देखी, ठाकुर तो डेफिनेटली बनाना होच्छे, वही जेखान थेके आमरा नीचेलाम ओखाने एकबार गिए देखबो। और आज के बायनाटा आमरा करे ओई जोन्नो आमरा आमी आर भाई डिसाइड करेछि एखन जाबो आमरा पोटो पड़ाए। पोटो पड़ा दिए आमी डिसाइड करेछि भाईटा मानते আগে তুই আমাকে একটু পাটা টিপে দে, তারপরে একটু তেলা আমাকে এবার বুঝলাম কেন ঠাকুরের কানের সঙ্গে ঘন্টা বাজে, এরমভাবে বাজালে শুনতে পারলো। ठीक है।
কাছে পড়তে গেল বাবা পুরানো হয়নি বলে এটা পুরো কাঁচা মাটি জলে দিলে গলে তো এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা এখন সোজা কারখানায় যাচ্ছি গণেশ ঠাকুর গণেশ ঠাকুরের কারখানা গণেশ ঠাকুর বানানোর কারখানা অ্যাকচুয়ালি ছোট গণেশটা বানানো হয়ে গেছে কিন্তু জুয়েলারি লেগে গেছে আমার জুয়েলারি ছাড়া গণেশ ঠাকুর চাই সেই জন্য কারখানায় যাচ্ছি তো এখানে যেটা দেখালাম সেখানেই লাস্ট ইয়ার আমরা এখান থেকেই নিয়েছি ভালো লাগছে মানে আমার এই এরকম কালার সিচুয়েশনে যা অবস্থা রয়েছে আমার এখনই ভালো লাগছে না শুধু এইটুকুই কালার থাকবে হ্যাঁ মানে স্পেশালি এইটা আমার বেশ ভালো যে এটার মধ্যে এইগুলো যেহেতু হবে ধুতি পরানো হবে এবার যে পুঁতি চাইবে পুঁতি পুঁতি আমার স্পেশালি পুঁতি চাই না ওই জন্য আমরা একটু ছোট একটু ছোটটা দেখছি একটু বড় হয়ে যাবে মানে বড় হলে ওটা আবার ভাষণ দিতে যাওয়ার সময় একটু অসুবিধা হয়ে যাবে তখন লোক লাগবে আবার কিন্তু এই অবস্থাতে বেশ ভালো লাগবে घर आ चुके हैं और मतलब मूर्ति जो है वो भी फाइनल हो गया है हम लोग एडवांस करके आए हैं तो अभी आया है मेरा और एक भाई नमस्कार सारा दिन वेट करिए पूरा मेकअप टेकअप हुए ये बस भाई कोदाई का चिलिस थे वो तो रोजी धरा बोत মানে গল্পের চোট কি আমাদের फिलहाल मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ जो कि मेरा आंख देख के समझ ही सकते है और मैं मेकअप वाइप्स जो है ऑर्डर करना भी भूल गई थी तो अभी ऑयल से इतनी गर्मी में रगड़ रगड़ के उठाना पड़ेगा तो ठीक है तो वीडियो को मैं यही पेंड कर रही हूँ मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो के साथ टिल देन टाटा बाय बाय शेयू नोरा